क्या बच्चों, तुम लोग पढ़ने जाते हो कि लड़ने जाते हो? आजकल कुत्ता बिल्ली भी कहने लगे हैं क्या इंसानों की तरह लड़ रहे हो। बच्चों को पहले खाना खाने दो फिर डांटना। ये लो। बेटा, आज तुम्हारे बापू तुम्हारे लिए मछली पकड़ के लाए हैं। मेरे बेटे को मछली भात बहुत पसंद है। मामा। बेटा, तुमने मेरे सीधे साधे बेटे को पीटा, बहुत ही अच्छा किया। ये 5 साल से उतनी दूर पढ़ाई करने गया और साल में सिर्फ एक ही बार आता है। तुम्हारे गुस्से की वजह से साल में दूसरी बार देख रही हूँ। क्या कर रही हो माँ, इसे ये सब क्यों कह रही हो? खाना धोना, भूख लग रही है। बेटा, अच्छा हुआ तुमने चेहरे पर मारा, इसके पेट पे नहीं मारा, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि इसे लीवर का प्रॉब्लम है। नहीं, छोटा मोटा प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगा। आप लोग मुझसे नाराज नहीं है? आप मुझे मारना नहीं चाहते? मेरे बेटे की ही गलती होगी, तभी तो तुम गुस्सा हो गए बेटा। मुझे यकीन है कि इसे मार के तुम्हारा गुस्सा शांत हो गया होगा। हम लोग तो अनपढ़ गंवार हैं, हर बात पे लड़ने लग जाते हैं, पर तुम तो पढ़े लिखे हो इसलिए बिना बात नाराज नहीं होते होगे। मैंने सही कहा ना? ए, अभी तो शांत बैठे हो, बाद में इस पर गुस्सा मत करना। क्या पिताजी, गुस्सा कैसे हो सकता हूँ, मेरा दोस्त है। बेटा, खाना अच्छा नहीं बना क्या? नहीं माँ जी, बहुत अच्छा बना है। खाओ ना बेटा। अरे, ये लो पानी, ये लो। बेटा, जब हमारा बेटा 1 साल का घर आता है तो हमें उसे भरपेट खिलाने के लिए लोगों से अनाज उधार लेना पड़ता है, इसलिए वो हॉस्टल में ही रहता है। वहाँ उसे भरपेट खाना मिलता है, बिना खाए पिए पढ़ाई ठीक से कहाँ होती है। बेटा, मेरे बेटे का पिछले 5 साल में कभी किसी से झगड़ा नहीं हुआ। तुम भी अब उसके साथ मत लड़ना, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अपना ख्याल रखना। पीजे, तुम चलो, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। ये हॉस्टल के दोस्त के लिए खाना, और हाँ, ये लालटेन रास्ते में काम आएगा, अपना ध्यान रखना। सॉरी यार, दोस्त में सब चलता है। पीजे, एंजॉय। कौन है? सॉरी कैसे हुआ, कुछ तो बता पीजे। मैंने अपनी आंखों से भूत देखा। भूत देखे बेहोश हो गए? भूत मुझे देखकर भागने लगा और मैं उसके पीछे भागा और गिर गया। सच कह रहा हूँ, मैंने न जाने कितने भूत भगा दिए। डर छोड़ो, ये चाय के साथ गोली खा लो, भूत का डर भाग जाएगा। बाबा बंगाली का चूरन किसी और को खिलाना। भूत से भी डरावनी चीज है एग्जाम, जो 10 दिन में होने वाली है। पास हो जाओ या बोरी अब उस तरह समेट लो। मैं पास होकर दिखाऊंगा। पास होकर दिखाएगा? मैंने डिसाइड कर लिया, किसी भी हालत में ये एग्जाम पास करके दिखाऊंगा। तू कर सकता है यार, तू कर सकता है। लेकिन कैसे यार, कैसे? कैसे क्या, पास होने के लिए बुक्स के पास जाना पड़ता है, और वैसे भी तुमने शहर में फर्स्ट ईयर तो पास किया ही है ना। मैंने पास होने के लिए पैसे दिए थे। कितने? एक पेपर के 10,000 रुपए। 3 महीने से सोच रहा था कल पढ़ूंगा, कल पढ़ूंगा, अब कब पढ़ूंगा। देखा, तुम्हारी घिसी पेटी बातें सुनकर ये छत भी पक गया और गिरने लग गया। अगली बार ना खुले आसमान के नीचे बात करना, ताकि किसी को चोट लगने का। मैं यहाँ सारी रात पढ़ाई करने बैठूंगा, इसी बीच मौका देखकर आनंद मेरे हाथों पर छत का एक बहुत भारी टुकड़ा गिराएगा, मेरा हाथ जख्मी हो जाएगा, फिर मैं एग्जाम कैसे लिखूंगा? तुम में से किसी एक को मेरा एग्जाम आनंद लिखेगा, 100% पास हो जाऊंगा, 1 साल का टेंशन खत्म। अगर सच में तेरे हाथ पे गिर गया तो? तुझे मेरी टाइमिंग का कोई बेसिक आइडिया नहीं है। मैं अपने हाथ यहाँ रखूंगा और फिर छत का टुकड़ा गिरेगा, वो गिरते ही हाथ हटा लूंगा, कड़क टाइमिंग है मेरी। छत की टाइमिंग तुझसे ज्यादा अच्छी है, दर्द हो रहा है क्या? सुना है ना, मर्द को दर्द नहीं होता। मेरे राजा, ऊपर वाले की लापरवाही का नतीजा। सर, क्या हुआ? मेरे हाथ से
आपके पोलियोग्रस्त कॉलेज की वजह से मैं अपने हाथ से हाथ धो बैठा। ये सब कैसे हुआ? मैं तो पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा था सर, आंख बंद करके धुआंधार पढ़ाई, मेरे चारों ओर मेरा सिलेबस घूम रहा था, लेकिन क्या फायदा। अब मुझे न्याय चाहिए। मैंने तय किया कि मैं आमरण अनशन करने वाला हूँ। अरे पता नहीं कि अनशन में खाना नहीं मिलता। ये बात पहले नहीं बता सकता था नंगे। सत्याग्रह करेंगे। अनशन कैंसिल हो गया सर। अब एग्जाम कैसे दोगे? मेरी जगह मेरा पेपर कोई और लिखेगा। मैं बताऊंगा क्या लिखना है। नहीं माने तो सत्याग्रह पार्ट टू लिखेगा कौन? कोई बेवकूफ भी लिखेगा तो भी पास हो जाऊंगा। नहीं मजाक कर रहा था आनंद, तू लिख देना, ये लिखेगा सर। ओके मैं कमेटी से बात करूंगा। जस्टिस कमेटी? कब से देख रहा हूँ उंगली क्यों किया जा रहा है। तू मुझ पे क्यों भड़क रहा है? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, उंगली शरद चंद्र कर रहा है। बात करा क्यों भैया? शरद चंद्र कोई और शर्त है? बिल्कुल सही गेस किया बेटा। तुम्हारे दादाजी ने कहा है कि तुम्हारे कॉलेज की हर रिपोर्ट चेक की जाएगी कि तुमने क्या क्या किया और क्या क्या नहीं किया। पागल हो क्या? तुम हर किसी की नजर में रहोगे। ये तुम्हारी अपनी चाल है ना मुझे फंसाने के लिए। नहीं होगा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। लेकिन ऐसा ही होने वाला है। बड़े बाप की बिगड़ी औलाद, जल्दी सुधर जा। सुना क्या? सुन रहा हूँ। कान खोल कर सुन लो, आज के बाद तुम कॉलेज के किसी लड़के पर हाथ नहीं उठाओगे, समझे? हाथ तो मैं धोने के लिए नहीं उठा सकता, किसी को क्या खाक मारूंगा। एक और शर्त बताना तो मैं भूल ही गया, 1 साल के लिए तुम्हें स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट बनना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारी जगह एग्जाम में कौन लिखेगा इसका फैसला हमने कर लिया। ओके, कौन है? बेटा बिंदु। यस सर। बिंदु? ये पेपर लिखेगी। लेकिन सर। और कोई चारा नहीं, पढ़ाई करो। स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट बनना है, बिंदु मेरा पेपर लिखेगी। मेरे फोन में दादाजी का फोटो है, जरा दिखा ना। दादा, तूने मुझे नानी याद दिला दी। ये कैसी आवाज़? ओ, इंटरवल हो गया, थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। हे माँ, आज पीजे का असली एग्जाम है, प्लीज उसे पास करवा दे। वो बुक टच भी नहीं करता, उसकी सारी किताबें नई की नई पड़ी हैं। मुझे फेल करा दे पर उसको पास करा दे। पप्पू को पास करा दो ना माँ। वो इतना गरीब है कि वो क्लास में ध्यान नहीं दे रहा। हम उसका मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, उसके लिए दुआ मांग रहे हैं। माता प्लीज इसकी बातों का बुरा मत मानना। हम गरीबी में पैदा हुए, हम तो जी लेंगे, पर वो तो अमीरी में पला बड़ा है, वो नहीं जी पाएगा। प्लीज बिंदु का माइंड चेंज करवा दे ताकि वो सारे सवालों का सही जवाब लिख दे। अच्छा हुआ उसका हाथ जख्मी हो गया, वरना वो लिखता तो 1 मार्क भी नहीं मिलता। किसी तरह से पास करवा दे। क्या हुआ पीछे, क्या सोच रहे हो? जब जेब में पैसे थे बहुत लोग आसपास दोस्त बनकर घूमते थे, पर सच्चे दोस्त क्या होते हैं आज पता चला। डोंट वरी, बेस्ट ऑफ लक। हिंदी में बोल यार। ओके, याद रखूंगा। इट्स टाइम फॉर एग्जाम। क्या बोला? बेस्ट ऑफ लक यार। पास भाव। पास भाव। पास भाव। पास हो जाएगा। अरे चल चल जल्दी जा, करो पास हो जाएगा। देख ये वाला क्वेश्चन फिर से देख ले। बहुत एग्जाम आते रहे। तो बलि का बकरा तैयार हो गया? नहीं सर, ये तो एग्जाम देने जा रहा है। एक ही तो बात है, इस बार पूरे 35% लाऊंगा, एक पेन से एक जवाब लिखूंगा। आ जा रहे हो? एग्जाम हॉल इधर है, यहाँ से जाओ। जाओ, एग्जाम आती ये भीगी बिल्ली बन जाता है। क्या कर रही हो? कोई चीज तो नहीं छुपाई है? चीज छुपाऊंगा इन हाथों से। बिंदु, ये एग्जाम ना मेरी जिंदगी की। फर्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर हैमलेट के बारे में क्या जानते हो? हेलमेट का तो पता नहीं, ऑमलेट अच्छा बनाते थे। जानते हो या नहीं? पता नहीं। आर के नारायणन? नारायण नाम का मेरा एक बचपन में दोस्त था, लंगोटिया यार था मेरा, पता नहीं। पैराडाइज लॉस्ट? पैराडाइज होटल की बिरयानी। तुम ना कुछ आता नहीं है तो एग्जाम देने क्यों आए हो? क्योंकि मैं ये लाइफ जीना ही नहीं चाहता, मुझे चाहिए लग्जरी
पब, पार्टीज, फन, रिजॉर्ट्स, और इसके लिए मुझे पैसा चाहिए, अपनी पुरानी जिंदगी वापस चाहिए। थोड़ी सी पढ़ाई की है, लेकिन अगर तुम भी थोड़ी सी हेल्प कर दो तो मुझे। हा? ये सब क्या लिख रही हो तुम? जो तुम कहोगे मैं वही लिखूंगी, यही मेरी ड्यूटी है। जरूरत में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। क्या? गधे को कह रहा हूँ, तू आगे देख। अब इसका जवाब बताना। ए, पेपर लिख। एग्जाम खत्म हो गया क्या? कभी? अरे कभी की खत्म हो गई। जाओ जाओ घर जाके सो। ठीक है चलो सोते हैं। ये क्या हो रहा है? ये लो। ये किस चीज का महाप्रसाद बट रहा है? लड्डू दिए। तुम्हारा रिजल्ट आने की खुशी में। और तुम रिकॉर्ड बनाने वाले हो सिर्फ 3 महीने में कॉलेज से बाहर जाने का, इसलिए वो लोग मिठाई बांट रहे हैं। रिजल्ट आने का प्रेशर है। टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? जरा बोरिया बिस्तर बांध लो, जल्दी पहुंच जाएगा। सर फेल? कोई शक? अरे रिजल्ट का वेट मत करो, जल्दी जाओ और बस का वेट करो ताकि टाइम पे शहर पहुंच सको। अरे अब फेल हो गया। देखो रिजल्ट आया क्या? प्यून के साइकिल की घंटी। बैकग्राउंड में बहुत अजीब सा म्यूजिक सुनाई दे रहा है मुझे। तुम्हें भी? उसके फेस के एक्सप्रेशन से लगता है कि तुम जरूर पास हो गए हो। वो गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलता है, उसके एक्सप्रेशन पे मत जाओ। इट्स बैड न्यूज़ कंफर्म। लेकिन पेपर तो बिंदु ने लिखा ना। लेकिन बोला तो इसने है ना। ए प्रवीण, कर्नल साहब तुझे बुला रहे हैं, चल। ओ गॉड, रेस्ट इन पीस। ओए, उसके चेहरे को देखकर लगता है कि ये फेल नहीं तेल हो गया है। अरे चुप कर, वो सुन लेगा, कुछ भी बोलता है। क्या हुआ? मैं पास कैसे हो गया? अरे हो ही नहीं सकता। सच प्रवीण? पीजे 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 दादाजी। कांग्रेचुलेशंस पीजे। थैंक्स ब्रो। हाँ लेकिन इसका क्रेडिट जाता है बिंदु को, उसे भी थैंक्स बोलो।